गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई कीर्ति वेलकम यू ऑल इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। सो लेट्स कंटिन्यू अवर सेकंड चैप्टर, दैट इज अवर सेंस ऑर्गन्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुड टच एंड बैड टच। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर फील टू इट व्हेन टच। आप जब भी किसी चीज को टच करते हो, किसी भी जो भी आप किस भी चीज़ के सरफेस को टच करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर फील होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड टेक्सचर। और इसे क्या बोलते हैं, उसका टेक्सचर बोलते हैं। आप किसी जो सॉफ्ट सरफेस वाली चीज़ें, अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको सॉफ्टनेस फील होगी, राइट। आप किसी शार्प थिंग को अगर टच करेंगे तो आपको क्या फील आएगा उसमें, कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकीली है। तो इसे हम कहते हैं टेक्सचर। सम थिंग्स फील स्मूथ, सम थिंग्स फील रफ, एंड सम थिंग्स फील सॉफ्ट। कुछ चीज़ें आपको सॉफ्ट लगती है, कुछ बड़ी रफ लगती हैं, ठीक है, और कुछ काफ़ी स्मूथ होती हैं। सम फील वेट एंड सम फील आर ड्राई। कुछ चीज़ें आपको वेटी लगती हैं, इट मीन जो काफ़ी जो पानी की वजह से गीली हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें आपको काफ़ी सूखी सूखी ड्राई लगती हैं। द सेंस ऑफ टच हेल्प इन आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग। तो जो सेंस ऑफ टच होता है वो किसी भी चीज़ का कैसे पता चलता है आपको, उस चीज़ को टच करने पे पता चलता है। जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तब जो आपके सेंस ऑफ टच वाला जो फील है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है आपके लिए, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वे दे फील। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनको आपको फील करना है कि उनको टच करने पर आपको कैसा फील होता है। सो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है गुड टच एंड बैड टच। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट गुड टच एंड बैड टच। टच तो टच होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये टच गुड है और ये टच बैड है। सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स ऑफ क्लोज फ्रेंड्स मे हग एंड किस अस एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अफेक्शन एंड केयर। आपके फैमिली में आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, जो आपके एल्डर्स हैं, वो कभी कभी आपको जो केयर होती है या आपको प्यार दिखाने की वजह से आपको टच करते हैं, आपकी बैक पर आपकी पीठ थपथपाते हैं, आपके सर पर हाथ घुमाते हैं, ठीक है, तो वो आपको टच कैसा लगता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है ना, क्योंकि आपके बड़े जो हैं वो आपको प्यार करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए, या फिर अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए शाबाशी देने के लिए वो आपको टच करते हैं, ठीक है, तो आपको उस टाइम वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वी एन्जॉय रिसीविंग लव फ्रॉम देम, दिस इज़ कॉल्ड गुड टच। और ये जो लव आपको अपने एल्डर्स से मिलता है इसमें आपको काफ़ी अच्छा फील करते हैं, तो ये कौन सा टच हो गया, गुड टच हो गया। बट समटाइम्स पीपल मे टच us in a way which we do not like at all. We may end up feeling hurt, disgusted and shameful or bad about ourselves. But कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ लोग हमें इस तरीके से टच करते हैं कि हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, हमें शर्म आती है या हमें डर लगता है, ठीक है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी कोई टच आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है या आप उसे नहीं पसंद कर रहे हो, आपको इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो उस टच को कहते हैं बैड टच। देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच ओनली पीपल वेरी क्लोज टू अस लाइक आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स अस अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर पेरेंट्स मस्ट बी अलाउड टू टच। दीज आर आवर प्राइवेट पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ आपकी मदर, फादर या फिर डॉक्टर, एंड डॉक्टर भी कब, जब आपके पेरेंट्स वहाँ पे हैं और आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, आपको डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना है, तो वो उन्हें सिर्फ टच कर सकते हैं, वो भी आपके पेरेंट्स के अलाउ करने के बाद में, ओके। सो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और जिन्हें सिर्फ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सिर्फ वही टच कर सकते हैं। अदर पीपल अगर उन्हें टच करते हैं तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है और ये होता है बैड टच। और इस सिचुएशन में आपको, अगर आपको जब कभी भी किसी के भी टच से अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है,
आप ना तो डरेंगे उस चीज़ से, ओके। कई बच्चे होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर मैंने मम्मा को बोला तो मम्मा मुझे डांटेगी। नो बेटा, अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में बैड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको जब डर लगता है, तो सिर्फ डर के मत रहिए। आपको उस टाइम पर तुरंत अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर को, अपनी बड़ी सिस्टर को, जो भी आपके घर में बड़ा है, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, आपको तुरंत वो बात उसे बता देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बच्चे पेरेंट्स के डर से उस बात को अपने अंदर ही रख लेते हैं। सो बेटा, आपकी टीचर भी आपकी एज ए मदर होती हैं, एज ए पेरेंट्स होते हैं, इवन एज ए फ्रेंड भी आपकी टीचर होती हैं। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप डर जाते हैं या आपको बहुत बुरा फील होता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हो किसी के टच से, किसी के परेशान करने से, तो आपको उस बात को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। यू मस्ट हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स को बोलनी चाहिए ये सारी बात कि भाई मम्मा ऐसा ऐसा हो गया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन के लिए तुरंत एक्शन ले पाए। तो ये होता है गुड टच एंड बैड टच। रिमेंबर, नो वन शुड टच अस वेयर वी डू नॉट फील कंफर्टेबल। इफ समवन ट्राइज टू टच अस वेयर वी डू नॉट वांट टू बी टच्ड, वी शुड टेल अवर टीचर्स, पेरेंट्स और समवन हुम वी ट्रस्ट। दिस विल हेल्प देम टू नो इफ समवन इज ट्राइंग टू हर्ट अस, ठीक है। आपको ऐसी सिचुएशन में हमेशा अपने बड़ों से, जिससे भी आप क्लोज हैं, टीचर हो, पेरेंट्स हो, आपके एल्डर सिस्टर, ब्रदर, जो भी हो, उनसे कहना चाहिए, जिससे वो लोग तुरंत ऐसा कोई स्टेप उठा पाए कि वो जो आपके साथ में जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है वो फिर से रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था गुड टच एंड बैड टच। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि जो भी टच आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, आप उसके बारे में तुरंत अपनी मम्मा से, अपने पापा से, अपनी टीचर से, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे तुरंत शिकायत करेंगे और कभी भी कोई भी बात आप छुपा के नहीं रखेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।